जी जगमीत सिंह ढिल्लों, मैं बुलारा पंजाब यूथ कांग्रेस। ये जड़ी आ लैटर साढ़े बहुत ही मान सत्कारयोग अकाल तख्त साहिब के जथेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह जी के नाम से असी लिखी है। असी उन्होंने लिखा है कि तुम साढ़े सिख धर्म की जी सर्वोच्च अदालत के मुखी हो, ताड़े अधीन सारे सिख समाज अते सारे ही आउंदे हन। 5-6 साल पहला जो साडे पंजाब विच अणसुखावियां घटनावां वापरियां सी, 21वीं सदी दे विच जो साडे श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दा जिहड़ा कांड वापरिया सी, उस दे उत्ते असीं उहनां नूं इह चिट्ठी लिख के कहा है कि सौदा साध राम रहीम नूं जिन्हां ने माफ़ी दवाई सी, किन्हां दे कहण ते माफ़ी दित्ती गई सी, जिहड़ा जिहदे नाल सिख समाज दे हलुंदरे बलुंदरे गए सन, हिरदे बलुंदरे गए सन, अते फिर जिहड़े शांतमाई जिहड़े सिख बैठे सन बरगाड़ी कोटकपुरा बैबल कलां विखे, उन्हां दे उत्ते गोली चलाउण दा जिन्हां ने इन्हां ने हुक्म दित्ता सी, उन्हां नूं तुसीं तलब करो, क्योंकि बेशक साडे न्यायपालिका दूजियां कोर्टां कचहरियां कोल ते अधिकार है, पर गुरु हरगोबिंद साहिब जी ने श्री अकाल तख्त साहिब दी जदों उसारी करवाई सी तां सिख समाज दे विच उस नूं सब तों उच्चा जिहड़ा दर्जा दित्ता सी, ते साडी इही मंग है कि उन्हां नूं उत्थे जिहड़ा तलब कीता जावे बादल प्यो पुत नूं, अते उन्हां नूं पंथ विचों छेकिया जावे तां कि आउण वाले समें दे विच सब नूं इह सेध मिले कि जे कोई भी सिख गलत काम करदा है तां कानून तां है ही, पर उस दे उपर इक अकाल जिहड़ा तख्त भी बैठा है, अते उहदा जथेदार जिहड़ा निधड़क हो के अकाली फूला सिंह वांग जिन्ने उस समें दे महाराजे दी भी परवाह नहीं सी कीती फैसले लवे अते सारे सिख समाज नूं सेध दवे तां कि कोई भी सिख धर्म नूं ढा लाउण दा दुबारा ना सोचे। जवाब जरूर देंगे, जे सानू 15 दिन दे विच इस चिट्ठी दा जवाब नहीं मिलता तो असीं जथेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह जी कोल परसनली मिल के पहुंच करांगे कि जथेदार जी तुसीं कृपा करके सिख समाज दा जिहड़ा विश्वास अज टुट चुका है ਤੁਹਾਡੀ ਜਥੇਦਾਰੀ ਤੋਂ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਕਠਪੁਤਲੀ ਹੋ ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜਾਗੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਕਮ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਨਿਤੜਕ ਹੋ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ।